सो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा वन क्लिक में इस टाइप की फोटो एडिट आप लोग कैसे करेंगे, जिससे कि आप लोग अपने हेयर को वन क्लिक में एडिट कैसे करेंगे, कितना खतरनाक तरीके से मैं अपने हेयर को एडिट किया आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे फेस को स्मूथ और फेस को वाइट काफ़ी शानदार तरीके से मैं किया हूँ। और यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड भी आप लोग देख लीजिए, इसको भी मैं काफ़ी शानदार तरीके से चेंज किया हूँ। तो अगर आपको भी इस टाइप की फोटो एडिट करना वन क्लिक में सीखना, तो इस वीडियो को कम्प्लीट आप वॉच करेंगे और देखेंगे, तो मैं आपको सेम ऐसा ही फोटो बनाकर वन क्लिक में सिखा दूंगा। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग नॉर्मल फोटो को, तो जैसे कि आप लोग ओरिजिनल फोटो को देख लीजिए, फेस पे काफी सारा पिंपल और ना है, और यहीं पे आप लोग देखिए हेयर भी काफी ज्यादा बेकार है। और यहीं पे आप लोग एडिट फोटो को देखिए कि एडिट फोटो कितना खतरनाक लग रहा है दिखने में। तो अगर आपको भी ऐसा ही फोटो एडिट करना सीखना है वन क्लिक में, तो इस वीडियो को कंप्लीट बस आपको वॉच करना है और मैं आपको इस टाइप की एडिटिंग को वन क्लिक में करके सिखाऊंगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को सुनने से हम लोग स्टार्ट सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे ओरिजिनल फोटो में, ठीक है। एंड इसके बाद लोग क्या करेंगे, सिंपली देन गाइस यहाँ से इस वाले फोटो को हम लोग ओपन कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप लोग इस वीडियो को कहीं भी स्किप थोड़ा सा भी नहीं करते, तो मैं आप लोगों से गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इस टाइप की एडिटिंग को मैं वन क्लिक में सिखाऊंगा, ठीक है। तो जिससे कि आपका फोटो ओपन होगा, तो आपको यहाँ पे एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में इस तरीके से आपको क्लिक करना है, जिससे कि आप लोग क्लिक करेंगे तो सिंपली लाइटरूम ऐप के अंदर पहुंच जाएंगे। और आप लोगों को यहाँ पे मैं एक प्रीसेट दे दूँ, जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी मतलब यहाँ पे मेरा प्रीसेट है ना, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है, मतलब कि डाउनलोड वहाँ से आपको नहीं करने आएगा, तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। मुझे पता है सभी भाई को डाउनलोड करने आता है, तो ठीक है, इसको फोटो पे यूज कैसे करते हैं सीख लीजिए। तो जैसे कि प्रीसेट पे एक बार इस तरीके से क्लिक करेंगे, जैसे कि क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे थोड़ा देर सर्चिंग लेने के बाद हम लोगों का प्रोसेस इस तरीके से चालू हो जाएगा। और फिर से हम लोग यहाँ पे कर देंगे थ्री डॉट पे क्लिक, जैसे कि क्लिक करेंगे और वन क्लिक में देखिए कि फोटो कितना धांसू तरीके में बनेगा, ठीक है। और कॉफी सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे और एंड इसको कर लेंगे और क्रोप को छोड़ के एंड फोटो को डन एंड राइट कर लेंगे और बैक पे क्लिक कर देंगे और अपने ओरिजिनल फोटो पे क्लिक करेंगे। जैसे कि ये मेरा फोटो एंड आपका फोटो, किसी का भी फोटो क्यों ना, इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस पर अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस करना होगा आपको, थ्री डॉट पे इस तरीके से क्लिक करके, और बस आपको क्या करना है, पेस्ट सेटिंग कर देना है यहाँ से वन क्लिक में। देखिए कि आपका फोटो इस तरीके से वन क्लिक में बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, बस आपको मैं बताना चाहूँगा जैसे जैसे वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग इस वाले फोटो को सेव कर लीजिएगा सबसे फर्स्ट। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, जिससे कि आप लोग यहाँ पे फोटो को देख लेते हैं, मेरा फोटो सेव हो चुका है। एंड इस फोटो को ओके कर लेंगे एंड इसके बाद इस वाले फोटो को हम लोग शेयर कर लेते हैं यहाँ से सिंपली स्केटबुक ऐप के अंदर, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। तो इस ऐप के अंदर हम लोग इस वाले फोटो को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपने फेस को स्मूथ करेंगे, ठीक है। और इसी में हेयर को एडिट करेंगे, तो अभी नहीं करेंगे, मैं सब कुछ आपको बताऊँगा, वीडियो को कम्प्लीट आप लोग वॉच कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे और इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर लेंगे, फिर से फोटो को इम्पोर्ट इस तरीके से कर लेंगे। मुझे पता है कि आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा आसान तरीके में। तो मेरा फोटो मैं फिर से इम्पोर्ट कर लिया हूँ, ठीक है, मतलब कि इम्पोर्ट फिर से किया हूँ फोटो को। तो मैं अपने फेस को स्मूथ करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसे स्मूथ करेंगे, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको ऊपर ब्रश पर इस तरीके से क्लिक करना होगा, जैसे कि आप लोग क्लिक करेंगे। और इसके बाद मैं आपको इस वाले ब्रश को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर स्मूथ लिखा हुआ मिलेगा और यहीं पर आपको ए वाला ब्रश मिल जाएगा। देख लीजिए कितना आसान है एडिटिंग, ठीक है। तो इस ब्रश को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके सेटिंग पे आ जाएंगे, जैसे कि इसका सेटिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका सेटिंग क्या है, फॉलो 5% एंड स्टेन भी 5% कर लेंगे, जो इसका साइज होगा अपने हिसाब से करके और कट कर लेंगे। और जो भी भाई बोलते हैं कि सुबह से फेस पर से पिंपल और दाना को अच्छे तरीके से हम लोग इलाज नहीं कर पाते, तो आप लोग उससे मैं 100% गारंटी करता हूँ कि अगर आप लोग इस वाले ब्रश का यूज करते हैं, तो आप लोग 100% मेरे भाई लोग अपने जो भी आपके फेस पर पिंपल और दाना होगा, आप लोग 100% रिमूव कर पाएंगे और वहाँ से उसको इरेज कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितना सारा पिंपल और दाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइज को प्लस करके और इस तरीके से मैं इस यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा, तो मेरा जो भी फेस होगा गाइस काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके में स्मूथ हो जाएगा। और अगर आपको ब्लैक पार्ट दिखे, तो इस तरीके से आप लोग ब्लैक पार्ट को भी हाइड कर सकते हैं, अपने व्हाइट पार्ट को लाइएगा ब्लैक पार्ट की तरफ से, तो मतलब कि हाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सब कुछ आपको मैं लाइव रूप सिखाता हूँ, आप लोग एडिटिंग अच्छे से सीखिए, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ठीक है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, वीडियो को कंप्लीट आप वॉच करते हैं। तो देख लीजिए कितना खतरनाक तरीके में फेस स्मूथ रहा है। और यहाँ पे भी आपको इस तरीके से करना है, बस आपको जन सेकंड में इस तरीके से फेस को स्मूथ करना है, इसमें कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं मिलेगा और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको जस्ट नाउ फेस को स्मूथ करना है, तो जस्ट नाउ इसको मैं कर लेता हूँ।
सो गाइस, तो आप लोग यहाँ पे मेरे वाले फोटो को देख लीजिए मेरे भाई लोग की, मैं अपने फेस को एज स्मूथ और व्हाइट तो कर लिया हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा लिप्स को बस रेड करेंगे। तो इसको रेड करने के लिए सिंपली गाइस मतलब कि आसान प्रोसेस है, तो आपको सिंपली लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा एंड आप लोग ऊपर प्लस पे इस तरीके से क्लिक कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे एक नोड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देगा आपको नोड पे आना होगा और बस आपको सॉफ्ट लाइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। एंड कट कीजिएगा एंड ड्रॉ कीजिएगा एंड ऊपर आपको ब्रश पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको इस वाले ब्रश को कर देना होगा सिलेक्ट, इसके बाद इसके सेटिंग को यहाँ पे करना होगा क्लिक, ठीक है। एंड इसका ऑफसिटी को पूरा 100 एंड साइज को अपने हिसाब से करके और कट कर लीजिएगा आप लोग इस तरीके से। ऊपर कलर पे क्लिक कीजिएगा और जो भी आप अपने लिप्स का कलर रखना चाहेंगे वो आप लोग आराम से सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से कट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद फोटो को जूम करके और इस तरीके से केवल लिप्स के ऊपर कलर्स को अप्लाई करना इस तरीके से, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना, नहीं तो फोटो पूरा खराब हो जाएगा, मतलब कि पूरे तरीके से फोटो बेकार चलेगा देखने में, ठीक है। तो बस गाइस इतना काम आपको, मतलब कि आपको इतना काम में मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको मेहनत हुआ होगा, मुझे भी होता है इतना काम करने में, ठीक है। तो अब आपको कोई भी मतलब मेहनत वाला काम मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको सब कुछ इंटरनेट द्वारा करना सिखाऊंगा। तो बस अब आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, अब आप लोग एडिटिंग सीख ही चुके हैं मान के चलिए, इतना काम अगर आप लोग कर लेंगे तो अब पूरा एडिटिंग मतलब आप लोग सीख ही चुके हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना होगा, इस वाले फोटो को ना आप लोगों को ओपन करना है, मैं आपको बताना चाहूँगा मतलब कि आपको कहाँ पर ओपन करना है, मैं सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो को कम्प्लीट आप वॉच कीजिए। सो गाइस, तो मैं इस फोटो को सिंपली ओपन करूंगा टूलबिज ऐप के अंदर, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल पेंट करेंगे अपने हेयर के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली गाइस क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ना भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक कर देंगे, मतलब इसमें कोई मतलब भारी काम नहीं है, ठीक है। बस इस पर क्लिक करेंगे और फोन नंबर को सिलेक्ट करेंगे एंड हम लोग मार्क्स पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, और बस आपको ये आँख पर से ऑयल पेंट को इरेज करना होगा इस तरीके से, ठीक है। एंड थोड़ा सा अपने लिप्स पर क्या करना होगा इस तरीके से एंड फोटो को राइट एंड आप लोग डन इस तरीके से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा देर प्रोसेस लेगा और जस्ट नाउ फोटो सेव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते रहिए तो फोटो सेव हो चुका है एंड इस वाले फोटो को हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मोबाइल डॉक को ऑन कर लेंगे इस तरीके से, शेयर मोड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, मतलब कि आप लोग अब एडिटिंग सीख चुके हैं, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है और टेंशन आपको नहीं लेना है। फोटो मैप के अंदर आप लोग इस बार फोटो को ओपन कर जाएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो लिंक इसका है ही, ठीक है। तो आपका मर्जी, जहाँ से आपको डाउनलोड करना हो कर लीजिएगा और इतना जल्दी मतलब आपका नेट चलेगा उतना जल्दी जब एप्लीकेशन आपका फोटो कट के मतलब कट करके दे देगा, ठीक है। तो जैसे कि जस्ट ना फोटो कट हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा अच्छे तरीके से, थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है तो यहाँ पे हो जाने दीजिएगा, इसको पूरा खोल जाने दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, व्हाइट वाले पार्ट को सिलेक्ट करना होगा, व्हाइट जहाँ पे लिखा होगा उसको क्लिक कीजिएगा, एक नंबर पे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद गाइस ना आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा नीचे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। तो बैकग्राउंड पे इस तरीके से क्लिक करके एंड इमेज पे क्लिक कर लीजिएगा एंड गैलरी पे क्लिक कर लीजिएगा, एक बैकग्राउंड को मतलब कि ऐड करना है, जिसका मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप लोग आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली गैलरी के अंदर चला जाऊँगा इस तरीके से और एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे, जिसका मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, इसको ब्लर कर लीजिएगा, तो ब्लर को प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा एंड सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसको पूरा 100 कर लीजिएगा इस तरीके से, प्लस पूरा 100 एंड फोटो को डन एंड राइट आप लोग करके, और इसके बाद मोबाइल को ऑफ कर लीजिएगा इस तरीके से। बस इतना काम नेट से आपको करना है, इसके बाद सारा काम जो है ना हम लोग बिना नेट से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इस वाले फोटो को ओपन कर लेंगे पी कैड एप्लीकेशन के अंदर, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिलेगा, और यहाँ पे आपको अलाउ करने का, अलाउ जैसे कि करेंगे तो फोटो इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इस वाटरमार्क को कैसे हटाइएगा। इसको हटाने का मतलब कि आसान प्रोसेस है, आपको वाइड फोटो पे क्लिक करना होगा इस तरीके से, और ना गाइस आप लोग इस वाले फोटो को ऐड कर लीजिएगा, जिस भी फोटो को आप ऑयल पेंट करके लिए होंगे मतलब सेव किए होंगे उस वाले फोटो को फिर से ऐड करना है और इस तरीके से इसको बड़ा करना है इस तरीके से, ऊपर इधर पर क्लिक करके इसको इनवाइट करके, और बस आपको इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से बस आपको क्या करना है, ऑयल पेंट को इस तरीके से करके और फोटो को राइट एंड आपको डन करना है, ठीक है। तो हेयर को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है, मतलब कि बड़ा करेंगे। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, इस तरीके से, और इस पर क्लिक कर लीजिएगा, इसको साइज थोड़ा बड़ा करके इसका साइज, और थोड़ा सा सबसे पहले तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सेप्ट करेंगे अच्छे तरीके से। तो आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है, अच्छे तरीके से कीजिएगा एडिटिंग, तभी जाके आप लोग कहीं एडिटिंग सीख पाएंगे और हेयर को अच्छे तरीके से बना पाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, इस तरीके से फोटो को जूम कर लेना होगा इस तरीके से, और आपको इस तरीके से
कि जो भी आपका हेयर का पार्ट होगा आप लोग अच्छे तरीके से अपने हेयर को मतलब कि बड़ा कीजिएगा, और इस तरीके से आप लोग खींच के बड़ा इसको कर लीजिएगा जितना मर्जी आपका चाहे, मतलब आपका मन जितना करे उतना आप लोग इसको बड़ा कर लीजिएगा। और इसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग जो करना है वो मैं आपको करके बताऊँगा, तो कैसे कैसे करना है मैं सब कुछ आपको वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को कम्प्लीट आप वॉच कीजिए, बस आप देखते रहिए, मैं आपको हेयर को पूरा एडिटिंग करने का आपको मास्टर बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग हेयर एडिटिंग सीखने के लिए वीडियो को वॉच किए होंगे फुल, तो मैं मुझे पता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने हेयर को बड़ा कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। अपने घबराइएगा मत, ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। अगर आप लोगों को एडिटिंग सीखना है तो मेरे भाई लोग थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, और आप लोग अच्छे तरीके से एडिटिंग को सीखिए। तो मैं इसको इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए हेयर बड़ा हो चुका है, एंड फोटो को ऐड करेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे एक हेयर पीएनजी को ऐड करेंगे, हेयर पीएनजी को नहीं, एक पीएनजी है जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस हम लोग यहाँ से सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये मतलब कि एक ऐड कर लेंगे जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको कर लेंगे ब्लेंड एंड स्किन, इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, फोटो देखने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है, और फोटो को डन कर लेंगे, ठीक है। एंड गाइस इसके बाद इस वाले फोटो को हम लोग सेव कर लेंगे, तो ड्रॉ वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करिएगा ऊपर आपको ना मिलेगा यहाँ पे थ्री डॉट्स का ऑप्शन, और सेव इमेज पे क्लिक करिएगा। यहाँ से करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपका फोटो पूरा HD क्वालिटी में सेव होता है, ठीक है। एंड इसके बाद मोड पे क्लिक करेंगे और इस वाले फोटो को हम लोग ओपन करेंगे SKTU कैप के अंदर। तो जैसे कि गाइस देख लीजिए यहाँ पे फोटो तो इंपोर्ट हुआ है लेकिन छोटा सा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फिर से इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे कि क्लिक करेंगे और इस तरीके से ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट नाउ इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड कर लेंगे और हेयर को वो अच्छे तरीके से एडिटिंग करेंगे अच्छे तरीके से। तो सीखना है तो वीडियो को कंप्लीट अब वॉच कीजिए, ठीक है। हेयर एडिटिंग केवल सीखना है तो इसके लिए ब्रश पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आइएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना होगा मेरे भाई लोग, इस वाले ब्रश को आपको सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से, तो कर लेंगे और इसके सेटिंग पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे और हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसको कर लेंगे 14, इसको कर लेंगे 14, ठीक है। इस दोनों को 14-14 कर लेंगे इस तरीके से, और जो भी इसका साइज होगा ना अपने हिसाब से करके और कट कर लीजिएगा, एंड फोटो को इस तरीके से जूम कर लीजिएगा। एंड गाइस इसके बाद आपको इस तरीके से अपने हेयर को एडिटिंग करना है, ठीक है। तो जिससे कि मैं आपको बता भी रहा हूँ और अच्छे तरीके से मैं करके सिखाऊंगा भी, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट आप वॉच कीजिए और देखिए मैं आपको हेयर को एडिटिंग करने का पूरा तगड़ा तरीका बताऊंगा, तगड़ा में तगड़ा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से अपने हेयर को एडिटिंग करना है, ठीक है। तो जिससे कि आप लोग जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपका फोटो काफ़ी शानदार तरीके में एडिटिंग होगा और काफ़ी ज़्यादा फारू लगेगा दिखने में, और आपका हेयर जो लगेगा ना मेरे भाई लोग, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ कि आप लोगों का फोटो कितना धांसू लगेगा दिखने में। खुद आप लोग एक बार एडिटिंग करके और देख कर और मुझे बताइएगा कमेंट में कि सुबह से आपका एडिटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और आपका जो हेयर एडिटिंग है ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, ठीक है। तो आप लोग अगर कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपके लिए इससे भी प्रोफेशनल वाला हेयर एडिटिंग लेकर आऊँगा वीडियो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वाले वीडियो को समझें, फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इस इतना ही, और फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।